Hey friends, I am Vandana Mukherjee. Welcome back to my kitchen. आज हम बनाएंगे पानी पूरी या कि गोलगप्पे. If you like my recipe, please subscribe and like my channel. ये तो बच्चे बड़ो सबके पसंद है. पानी पूरी नाम सुनते ही मुँह में तो पानी आ जाती है. तो चलिए पानी पूरी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए देख लेते हैं. पानी पूरी की पूरी बनाने के लिए मेरे को चाहिए एक कप सूजी, आधा कप मैदी, स्वाद अनुसार नमक, और ये तलने के लिए रखे हैं रिफाइंड ऑयल, वाटर. सबसे पहले एक बोल ले ली है और सूजी डाल देते हैं, मैदा डाल देते हैं. और स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं. इसको एक साथ मिला के फिर पानी डालते हैं. पानी धीरे धीरे डालते हैं क्योंकि इसको ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए. जैसे हम पूरी बनाते हैं इसको कड़ा बनाना चाहिए. धीरे धीरे पानी डालना है. और अच्छा से हम मैश कर देते हैं. ये डो एकदम रेडी हो गया. देखिए ये नरम भी नहीं और कड़ा भी नहीं, एकदम ठीक ठीक से इसको मार लिया है. ये डो से पहले हम बड़ा साइज का बॉल बना लेते हैं. फिर इसको गोल गोल करते रहें. फिर इसको हम बेल लेते हैं. जैसे हम रोटी बेलते हैं ज़्यादा पतला भी नहीं और मोटा भी नहीं रखेंगे. ऐसे हम रोटी जैसा बेल लिए हैं. फिर इसको हम एक ढक्कन से ऐसा गोल गोल दबा के काट लेते हैं. ये हम काट लिए हैं. फिर इसको हम उठा देते हैं. फिर इसको हम भीगे हुआ कप पे डाल देते हैं. ऐसे हम ये पूरी गोल गोल बना ली है. फिर इसको हम भीगे कपड़े से ढक देते हैं. ये 5 मिनट के लिए ढक दिया था. फिर इसको कपड़ा हटा देते हैं. पूरा नहीं हटाते जितना मेरे को बेलना है, नहीं तो कड़ा हो जाते. और इसे एक एक करके लेकर दोनों तरफ थोड़ा सा बेल देते हैं. ऐसे पतला भी नहीं और मोटा भी नहीं. ये हमने बेल ली है सब. फिर इसको हम फ्राई करेंगे. सबसे पहले गैस ऑन करते हैं. एक कढ़ाई ले लिया. पानी पूरी पूरी तलने के लिए
हम ऑयल डालते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालना पड़ेगा, इतना सा ऑयल हम डाल दिए। तेल गर्म होने तक हम इंतज़ार करते हैं। तेल गर्म हो गया, हम इसको लो फ्लेम में रखे हैं, नहीं तो पूरी जल जाते हैं। एक एक करके हम छोड़ देते हैं। देखिए कितना सुंदर फूल गए हैं। ये हम धीरे धीरे इसको ब्राउन बनाएंगे, ब्राउन से डीप ब्राउन बनाएंगे, लेकिन डीप से डीप नहीं बनाएंगे, नहीं तो जल जाएगा। इसको बहुत सावधानी से करना पड़ता है, जितना हम हैंडल कर सकते हैं उतना ही डालते हैं। देखिए ये डीप ब्राउन हो गया, और इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, ऐसे धीरे धीरे हम उठा देते हैं। मेरा डो एकदम परफेक्ट हुआ, इसलिए इतना गोल गप्पे गोल गोल हुई है। बाकी पूरी को हम तल रही है। देखिए ये पूरी कितना परफेक्ट हुई है और क्रंची हुई है, एकदम परफेक्ट हुई है। देखिए ये पानी पूरी के पानी के लिए हम इमली जो है इसको भिगो दिया था, और छान के इसको चटनी बना ली है। नमक स्वाद अनुसार काला नमक रखे थोड़ा सा, और रेड मिर्च पाउडर रखे हैं, जीरे पाउडर हम रखे हैं हाफ चम्मच, धनिया पाउडर रखे हैं हाफ चम्मच, और एक लीटर पानी रखे हैं। पहले इमली का चटनी जो है हम डालते हैं। आपको जितना खट्टा खाना पसंद है आप डाल सकते हैं। हम 5 चम्मच डाल दिए, और जीरा धनिया जो पाउडर है, रेड मिर्च पाउडर, आपका तीखा खाना जैसा पसंद करते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा डाले हैं। नमक स्वाद अनुसार, काला नमक ये भी थोड़ा सा डाले हैं, फिर पानी डाल देते हैं। ये अच्छा से मिक्स कर दिए हैं। ये तो बंगाल में बहुत चलते हैं, आप चाहे तो पानी, धनिया पुदीना हरा मिर्च पेस्ट करके पानी डाल के पानी बना सकते हैं, और इमली का टेस्ट तो और अच्छा होते हैं। ये पानी रेडी हो गया, पूरी रेडी हो गया, पानी रेडी हो गया, और बनाना है आलू का स्टफिंग। पूरी की स्टफिंग बनाने के लिए आलू ली है, ये हम 3 आलू ऐसे ही काट के छोटा छोटा बॉईल करके रखे हैं, छिलका निकाल दिए हैं, और ग्रीन चिलीस छोटा छोटा ग्रेटेड कर ली है 4-5 पीस लेकर। आपको तीखा खाना जैसे पसंद है आप डाल सकते हैं। प्याज ली है, इसको भी छोटा छोटा हम काट ली है, और इसके परिमाण हम 1 ली है, आपको जितना पसंद है आप ले सकते हैं। कच्चा मटर भिगो के रखे हैं, ये थोड़ा सा ली है। नमक स्वाद अनुसार काला नमक रखिए, ये भी थोड़ा सा डालना है, और ये रेड चिलीस पाउडर रखे हैं। ये आलू को सबसे पहले हमको मैश करना है। ये बनाने की टाइम हाथ साफ रखते हैं।
आलू हम हल्का सा मैश कर लिए हैं। अब हम एक एक करके सब डालते हैं। ग्रीन चिल्लीज डाल देते हैं, प्याज डाल देते हैं, कच्चा मटर आप जितना पसंद करते हैं, इसको ज़्यादा ठीक नहीं है, इतना सा। रेड मिर्च पाउडर हल्का सा और नमक, ये स्वाद अनुसार काला नमक ये भी हल्का सा डालते हैं। फिर इसको और एक बार हमको मिलाना है। ये आलू स्टफिंग रेडी हो गया। अब पूरी आ गई, आलू स्टफिंग आ गई और पानी पूरी की पानी आ गई। इसको हम एक लेकर जो हम दिखा था ये कितना क्रंची हुआ, और एक दिखा देते हैं। देखिए कितना अच्छा बने हैं, लेकिन तो बहुत मज़ा लगते हैं, मेरा बेटी को बहुत पसंद है। आलू डाल के, आलू की स्टफिंग और पानी से ऐसे डुबा कर प्लेट में लेकर, और तो मेरा इंतज़ार नहीं हो रहा है, हम टेस्ट करके बोलते हैं। बहुत सुपर टेस्टी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें।